कुछ छात्रों का सवाल होता है कि सब्सक्रिप्शन वाले में और आपके यूट्यूब वाले में क्या अंतर होता है। तो आप इसको मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अगर आपको प्रयागराज से दिल्ली जाना है, ठीक है, हमारी बात आप आधा मिनट समझिएगा, प्रयागराज से दिल्ली जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, आप बाइक से भी जा सकते हैं, है ना, ट्रेन से भी जा सकते हैं, और ट्रेन में एक जनरल कोच भी होता है उसमें से भी जा सकते हैं, और एसी वाले से भी जा सकते हैं। बताइए, जा सकते हैं ना, वहां से वहां तक ही जाना है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि अगर आप ट्रेन में जनरल वाले कोच से जाते हैं जिसमें एक सीट पे 8 बैठे हैं, एक के ऊपर दूसरा चढ़ के बैठे हैं, गमछा लटका के बीच में उसी में लटके हैं, और गर्मी का टाइम है, पसीना हो रहा है, और मान लो खुदा ना खास्ता सुस्सू भी लगी है और उतरने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये नॉर्मल वाली कोच का हाल है। बाकी एसी वाले में तो आप जान ही रहे हैं कि आप एक सीट पे एक ही होंगे, है ना, और सारी सुविधाएं होंगी। तो इतना ही अंतर आप समझ लीजिए कि ये फ्री वाला है, इसमें भी आप देखते होंगे कम चार्ज लगता है, ट्रेन में इसमें ज़्यादा लगता है। तो ये हो गया, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, ये थोड़ा ज़्यादा, सॉरी, ये कंफर्टेबल हो जाता है, ये ज़्यादा मतलब संघर्ष वाला हो जाता है। और दूसरी बात, ये तो आप समझ गए, ये हमारी यूट्यूब क्लासे हैं, ये हमारी प्रीमियम क्लासे हैं। दूसरी बात और समझ लीजिए, अगर आप प्रयागराज से दिल्ली जा ही रहे हैं और आपने ट्रेन नहीं पकड़ा, बोला कि ट्रेन में फालतू किराया उराया लगेगा, हम पैदल ही चले जाएंगे, चलो, और इसमें क्या करेंगे, ट्रेन से जाएंगे, तो जो पैदल जा रहा है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेगा, पैदल जाने वाला भी दिल्ली पहुंच जाएगा, भले वो 1 हफ्ता में पहुंचे, 15 दिन में पहुंचे, और जो ट्रेन के एसी कोच से जाएगा वो भी पहुंच जाएगा, जो प्लेन से जाएगा वो भी पहुंच जाएगा। तो होता क्या है, कुल मिलाकर के टाइम का खेल होता है। अगर आप पैदल जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, भाई ट्रेन से जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो वैसे सिस्टम बिल्कुल प्रीमियम और फ्री क्लास का होता है, हम देते दोनों में बिल्कुल फ्री हैं, पूरा सेम कंटेंट देते हैं, बेहतरीन तरीके से दोनों में देते हैं। बस डिफरेंस जो आपने देखा ये है, यूट्यूब पे आपको कंटेंट को खोजना पड़ता है, वैसे तो मैं प्लेलिस्ट बनाता हूँ लगभग, लेकिन आपको फिर भी खोजना पड़ता है। अगर आप थोड़ा कम जानकार हैं यूट्यूब के बारे में तो आपको नहीं मिल रहा होगा। दूसरी बात, जो ऐप वाला होता है उसमें आपको कुछ नहीं खोजना पड़ता है, सब कुछ एक तरफ से सिस्टम से मिल जाता है। YouTube में बीच बीच में एड वगैरह भी आ जाते हैं, आप डिस्टर्ब भी हो जाते हैं बीच में, कहीं उसमें आपको अक्षरा सिंह का गाना का एड आ गया तो आप उनको जाके देखने लगे, तो फिर हम कहाँ अच्छे लगेंगे, हमें कहाँ देखेंगे, तो पढ़ाई तो आपकी गड़बड़ हो गई, मतलब बीच में ही छूट गई, है ना। लेकिन अगर आप ऐप में हैं तो भाई ऐप में उन लोग को आने की परमिशन है नहीं हमारे, सिर्फ हम ही रहेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। दूसरी बात, और भी अगर इसमें आगे एक्स्ट्रा जोड़ें तो डाउट वगैरह पूछने की सुविधा भी मिलती है, किसमें, एप्लीकेशन में, जबकि YouTube में आप सिर्फ कमेंट कर पाएंगे। क्लास को क्यों ज्वाइन करें, इसके संबंध में आप कुछ स्क्रीन पे देखिए, देखिए इन लोगों की भी वही प्रॉब्लम है, आपकी भी वही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये क्या लिख रहे हैं, द डिवाइन सोल ऐसे कुछ इनका नाम है, लिखते हैं, रियली सैल्यूट यू सर, आप जो काम कर रहे हैं, खुद ये करने का सोचते थे पर किसी ने किया, ये हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि बचपन में जो छूट जाता लोग उसे ना किसी को शेयर कर पाते हैं, ना कोई बेसिक बाद में क्लियर करता जिससे मैथ और उस व्यक्ति के बीच ऐसी खाई बनती है जिसे भरना नामुमकिन हो जाता है। ग्रेट वर्क, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद भी इन्होंने कुछ लिखा था जो रीड मोर पे इन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया, साथी ने मेरे पूरा देखा नहीं, तो आइए अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा है, इसको तो मैं खुद ही नहीं पढ़ूंगा, आप खुद ही देख सकते हो। चलें फिर, आप तैयार हैं ना सीखने के लिए, तो सुन लीजिए। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी आपको समझा सकें। जैसे कि साइड में आप देखिए, यहाँ पर दो कॉलम बने हुए हैं। पहला लिखा है जहाँ क्लास चल रहा है वहीं से मिलेगा, फ्री वाले में देखिए, यूट्यूब फ्री वाले में। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर कंटिन्यू क्लास चल रहा है, जैसे मान लीजिए आप 10वां क्लास चल रहा है, अगर आप आज से जुड़ेंगे तो आपको 10वीं क्लास से ही मिलेगा। मतलब पार्ट 9 तक जो पहले चल चुका है वो आपको यूट्यूब पे खोजना पड़ेगा, वो अलग से मतलब तुरंत आपको नहीं मिल पाएगा। सब्सक्रिप्शन वाले में है, आपको पहले पार्ट से मिलेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। सप्ताह में 4 से 5 क्लास मिलेगी। दूसरा है फ्री वाले में, दूसरा नंबर। सब्सक्रिप्शन वाले में अगर आप डेली चाहें तो 4 से 5 क्लास देख सकते हैं, इसमें सप्ताह से कोई मतलब नहीं है। इसमें फुल कोर्स ख़त्म होने में फ्री में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। और जो सब्सक्रिप्शन वाला बेस वाला है, इसमें अगर आप 2 से 3 घंटा हर दिन पढ़ें तो 30 से 45 दिन में सीख सकते हैं। इसमें फ्री वाले में डाउट पूछने के लिए यूट्यूब वीडियो में कमेंट करेंगे, हमारे सहयोगी असिस्टेंट लोग आपको उसका जवाब देते हैं।
और सब्सक्रिप्शन वाले में ऑल डाउट आप जो भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, जो भी पढ़ाते हैं आपको, उनके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। आप कहेंगे फिर ये टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसका क्या लोचा है भाई, कंडीशन वंडीशन क्या है, तो उसके बारे में हम आपको सब कुछ बता रहे हैं डिटेल में। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, इसमें जो टर्म एंड कंडीशन लिखी है, आप लोग सोच रहे होंगे डाउट पूछने में कौन सी टर्म एंड कंडीशन है, तो ध्यान से सुनिए। पहली कंडीशन ये है कि आपको जितने भी वीडियो हम देंगे, चाहे वो 100 वीडियो होंगे चाहे वो 200 वीडियो होंगे, एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए, उन्हें आपको सिक्वेंस बाय सिक्वेंस सारे वीडियो देखने होंगे। जैसे वीडियो नंबर आपने 1 देखा, 1 के बाद 2 देखना है, फिर 3 देखना है, फिर 4 देखना है, ऐसे डॉट 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 15, फिर 16, 17, ऐसे देखना है आपको। 10 वीडियो देखने के बाद 20 नंबर वीडियो नहीं देखना है। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप हमारे अकॉर्डिंग सीरियल से नहीं देखेंगे, तो फिर हमारी डाउट बताने की कोई गारंटी नहीं होगी। दूसरी बात, आप जब भी वीडियो देखेंगे, जितना भी वीडियो देखेंगे, उन्हें नोट जरूर बनाएंगे, नोट करेंगे, सब लिखेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हम आपको पूरा डाउट बताएंगे। और ऐसा करने का पीछे एक तर्क ये भी है कि ऐसा आप करेंगे तो 98 से लेकर के 99% तक हमारी पूरी उम्मीद होती है कि किसी को कोई डाउट नहीं होता है, क्योंकि ये कोर्स हम बहुत मेहनत करके बहुत सिस्टम से बनाते हैं कि उसमें कुछ रह ना जाए कि आप बाद में पूछें, ना आप पूछेंगे ना हमें बताना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें आपको करना है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं मजा नहीं आता है, तो देखो भैया पढ़ाई में मजा नहीं आता है, मजा इसमें बनाना पड़ता है। ये कोई अक्षरा सिंह का वीडियो देखोगे तो मजा तो आएगा, लेकिन फिर सीखने को नहीं मिलेगा। तो चाहे तो वही देख लो, मजा ले लो, चाहे तो सीख लो, है ना, समझ रहे हो। तो चाहे तो आप जो बताया मैंने अच्छा और पवन सिंह और केसारी लाल को देखिए, चाहे तो फिर मैथ सीख लीजिए। तो मजा मत लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, फिर मजा लेते रहिए। अगर आप ट्रेन में, बस में, कहीं यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में हैं, देख रहे हैं, तो ठीक है, देख लीजिए। एक बार घर पे आइए तो दोबारा जरूर देखिए और नोट्स बनाइए, ये आपको करना होगा। क्लास के टाइम के बारे में, यूट्यूब पर जो फ्री क्लासे होती हैं उनका टाइम एक फिक्स होता है, निश्चित होता है, आप उस टाइम पे उसे यूट्यूब पे देख सकते हैं। जबकि ऐप वाली जो क्लास होती है, इसको आप 24x7 जो आपकी वैलिडिटी है, 90 दिन, 180 दिन, 360 दिन, लाइफ टाइम, जितना दिन, कभी भी देख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, व्हाट्सअप नंबर आपको मिलते हैं, आप उस पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन नीचे बताई गई कंडीशन के साथ में, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कुछ भी अगर और भी बचा है तो अभी आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, ये बोलते हैं कि हाँ मुझे नीट जेई की तैयारी करनी है, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ एसएससी वाले होते हैं, कुछ यूपीएसआई वाले होते हैं, कुछ यूपीएससी वाले होते हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि जैसे एक आलू होती है ना, आलू जानते हो, पोटैटो, उसकी लोग क्या क्या बनाते हैं, समोसा भी बनाते हैं, टिक्किया बनाते हैं, चाट वगैरह बनाते हैं, उसके व्यंजन और भी बहुत चीज बनते हैं, आलू गोभी की सब्जी, आलू भिंडी की सब्जी, मतलब जो भी होता है। कुल मिला के मेरा उद्देश्य यही है कि आलू कई जगह यूज होता है, कई तरह से, कई रूप में यूज होता है, वो अपने में खुद कुछ भी नहीं होता विशेष रूप से, है ना, बहुत कम ही लोग अकेले आलू खाते हैं। तो वैसे ये जो बेसिक मैथ है ना, ये आलू जैसे समझ लो, ये हर जगह यूज होता है। अब ऐसे आप समझ लीजिए, छोटी सी बात है, एकदम छोटी सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि भैया चलो बताओ 100 का 70% कितना होगा, बोलो। तो ये सबको पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 100 का 70% गुरुजी केवल 70 होगा। हाँ सही बात है। अब नीट जेई वाला पढ़ेगा तो उसके लिए भी 70 ही होगा, एसएससी वाले के लिए भी 70 ही होगा, और टीचर भर्ती परीक्षा टेट सीटेट सुपर टेट वाले के लिए भी 70 ही होगा, कक्षा 11-12 या फिर बोर्ड परीक्षा में जो पढ़ता है छात्र उसके लिए भी 70 ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि नीट जेई वाले के लिए 70 होगा, एसएससी वाले के लिए 65 होगा और टीचर भर्ती परीक्षा वालों के लिए 85 होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जो ये बेसिक होता है वो सबके लिए वही होता है जितना पढ़ाया जाता है। और हाँ, जो हम बेसिक पढ़ाते हैं 1 से 10 ना, कुछ लोगों के ये भी सवाल होते हैं, बीच में क्लियर कर लीजिए, सब कुछ ही विस्तृत वीडियो है, कि 1 से 10 तक का आप समझिए, एक एक बच्चा एक एक साल पढ़ता है एक एक क्लास में, तब वो एक क्लास पार होता है। अगर आप चाहें कि हम एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन, एक एक वीडियो सब डिटेल में एकदम आपको घोर के पिला दें, तो फिर आपको 10 साल टाइम लगेगा कक्षा 10 तक पढ़ने में। तो हम वही सिखाते हैं जो आपके लिए जरूरी है मैथ सीखने वालों के लिए, क्योंकि ये क्लास ज्वाइन करने वाले हमारे कैंडिडेट 80% 22 साल से लेकर 42 साल तक के होते हैं। तो उनको कक्षा 5 वाली मैथ में कहानी नहीं पढ़ना होता है, मजा नहीं लेना होता है कि वो फिसलन पिट्टी पर बैठे हैं, कहाँ तक खिसक के जा रहे हैं। ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बच्चे कम, बच्चे वाले ज्यादा होते हैं, समझ रहे ना। तो इसलिए इस कोर्स की ये विशेषता मैंने आपको बताया जो आपने सुना। दूसरा एक और भी है न्यू बैच के बारे में, फ्री वाले में यूट्यूब में 30 से 45 दिन में एक नई बैच स्टार्ट होती है। इसमें प्रत्येक मंडे एंड वेडनेसडे को एक नई बैच स्टार्ट होती है, और वो प्रॉपर तरीके से कुछ लिमिटेड स्टूडेंट के साथ होती है। इसमें स्टूडेंट की कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट होती है। इसमें 4 लाख हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो तो पढ़ेंगे ही, प्लस जो यूट्यूब पे खोजेगा पाएगा वो भी पढ़ेगा। इसमें क्या है, एक एक बैच में
इसमें मिनिमम जो है 100 और मैक्सिमम 300 बच्चों की बैच होती है इसमें, जिसमें जरूरी नहीं है कि 300 बच्चे ही होंगे, कभी कभी तो 85 या 80 स्टूडेंट पर भी ये बन जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप कम समय में, निश्चित समय में जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं, सीरियस है पढ़ाई को लेकर के, तो आप प्रीमियम ले सकते हैं, बाकी आप फ्री वाला भी देख सकते हैं। कंटेंट में कोई विशेष अंतर नहीं रहेगा, इतना मैं पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन इतना रहेगा क्वालिटी में अगर बात करें या डिटेल में, तो वो अंतर तो रहेगा, लेकिन पढ़ाने वाला इंसान हम ही हैं, हम ही दोनों में रहेंगे, और हम अपनी तरफ से गद्दारी नहीं करते हैं, फ्री और पेड दोनों में उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप दोनों में से जो चाहें वो कर सकते हैं। फाइनल मैंने आपको बता दिया, बस इतना जान लीजिए कि अगर आपको कहीं 200 किलोमीटर दूरी जाना है तो आप पैदल जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, परेशानी ज़्यादा होगी। अगर आप ट्रेन से जाएंगे या एरोप्लेन से जाएंगे तो जल्दी होगी, आरामदायक होगी, बस इतना अंतर है। सब्सक्रिप्शन वाला आप प्लेन या एरोप्लेन या एसी ट्रेन का यात्रा मान लीजिए, यूट्यूब फ्री वाला पैदल मान लीजिए, बस इतना था, दोनों में मेन अंतर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू, उम्मीद है आप समझ गए होंगे और हमारी बातों से आपने सीखा होगा। तो फिर डिसाइड करिए, लास्ट और अंतिम निर्णय आपका है।